afraid of the dark? Are you scared? हेलो भाई, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। और अभी हूँ मैं इलाहाबाद के किला, जिसे अकबर किला के नाम से भी जाना जाता है। इसे बुद्ध ने अपनी पत्नी ईला को, महारानी ईला को, यमुना स्नान करने के लिए बनवाया गया था। ठीक है, ये किला बनवाया था। तो चलिए आज इसी के इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे। तो चलिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए और यहाँ के इतिहास के बारे में बताते हैं। उसके बाद यहाँ से चलते हैं उल्टा किला। तो पहले ही यहाँ का वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद चलेंगे उल्टा किला। चलिए चालू करते हैं वीडियो। इस किले का बाहरी सतह आप देख लीजिए, यहाँ पे यार भतुआ पाक बेचा रहा है, मुरब्बा मतलब क्या होता है। चलिए इसको अंदर से हम कुछ दिखाते हैं, अंदर भी चलेंगे, पहले बाहर का कुछ बता दें और यहाँ के इतिहास के बारे में कुछ बता दें। ये किला संगम के निकट, इलाहाबाद में संगम के निकट स्थित है। इस किले को मुगल सम्राट अकबर ने 1575 ईस्वी में बनाया था। वर्तमान में इस किले का कुछ ही पार्ट पर्यटकों को घूमने के लिए खुला रखा जाता है, बाकी हिस्से का प्रयोग भारतीय सेना द्वारा किया जाता है। किले में तीन बड़ी गैलरी है। इस किले के अंदर भाई आपको अंदर भी लेकर चलेंगे, इसमें तीन बहुत बड़ी बड़ी गैलरी है, जहां पर कि ऊंची मीनारें और सैलानियों को अशोक स्तंभ, सरस्वती कूप और जोधाबाई महल देखने की इजाज़त है। यहां पे तीन ऐसे जगह है जहां पे कि लोग जा सकते हैं और देख सकते हैं। और यहां पे सबसे बड़ी बात बता दें कि यहाँ पर फ़ोटो लेना सख्त मना है। देखिए मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत ही मुश्किल से, और देखिए ये लोग भी बना रहे हैं, चूँकि अभी यहाँ पर कोई पहरेदार नहीं है, नहीं तो हमको नहीं बनाने देता। और बहुत जगह ऐसा बोर्ड लगा है जहाँ पे कि इस किले के अंदर सेल्फी या फोटो या वीडियो मतलब कुछ भी बनाना सख्त मना है। और चलिए ऐसे ही आगे दिखाते हैं आपको, चलेंगे। देखिए कितना पुराना किला है, ये सब दरवाज़ा है, रोक कर एक बार दिखाते हैं। और पीछे का सीन एक बार देख लीजिए, कितने लोग आ रहे हैं पर्यटक लोग, बहुत सारे यार टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए सालों साल। और ये जो कुंभ मेला लगता है यहाँ पर, अभी माघ मेला लगा है उसी के साइड में, उसको भी थोड़ा सा हम क्लिप दिखाएंगे बाहर निकलते टाइम। लेकिन देखिए कैसे छुप छुप के वीडियो बना रहे हैं, नहीं तो सेल्फी स्टिक पे। देखिए वो जो बोर्ड दिख रहा है आपको आगे, देखिए वहाँ पे तीन तीन बोर्ड दिख रहा है, वहीं पे सब लगा है कि यहाँ पे फोटो या वीडियो लेना मना है। और इस साइड आएंगे तो देखिए ये जो जाली एक दिख रही है, व्हाइट व्हाइट जाली, उस जाली के उस साइड आप देखेंगे ना, उस साइड तो भारतीय सेना का मतलब रक्षक रहते हैं, उधर देखिए घूम रहे हैं। बट हम उधर नहीं जाना है, यहीं से चलेंगे अक्षयवट। अक्षयवट कहाँ पे है वो दिखे। तो यार अक्षयवट तो यार जानते ही हैं सब लोग, लेकिन इसे पतालपुरी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके बारे में हम कुछ बताएंगे। अक्षयवट प्रयोग में त्रिवेणी के तट पर आज भी अवस्थित कहा जाता है। हिंदुओं के अलावा जैन बौद्ध भी इसे पवित्र मानते हैं। कहा जाता है बौद्ध ने कैलाश पर्वत के निकट प्रयाग के अक्षयवट का एक बीज बोया था। जैनों का मानना है कि उनके तीर्थकर ऋषभ देव ने अक्षयवट के नीचे तपस्या की थी, इसी के कारण ये मतलब अक्षयवट के नाम से जाने जाना लगा। और रुकिए एक बार यहाँ पे पीक आपको लगा दूँ थोड़ा स्क्रीनशॉट, उसे पढ़कर आप कुछ जान सकते हैं, तो देख सकते हैं आप। और देखिए ऊपर का दृश्य कैसा दिख रहा है, आप ये समझ सकते हैं देख करके। ये अक्षयवट है जिसे कि पतालपुरी के नाम से भी, यहाँ के लोगों से पूछेंगे तो पतालपुरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे आगे आप देख रहे होंगे कि अक्षयवट लिखा हुआ आ रहा है बोर्ड पे, जो लिखा हुआ आ रहा है ना, तो अक्षयवट ही है। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा घूमने को मिला। और यहाँ पर सेल्फी वेल्फी के बारे में कुछ नहीं लिखा है कि फ़ोटो सेल्फी लेना मना है, बट अकबर के किले की बात करें तो वहाँ पर सेल्फी या फ़ोटो लेना सख्त मना है। तो चलिए भाई आज का वीडियो यहीं तक, कुछ और बाहर निकल के कुछ यहाँ का मार्केट वर्केट दिखाते हैं, इसी वीडियो में जोड़ देंगे आगे, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे। क्या भाई सही रहेगा या नहीं, आप कमेंट करो कैसा लगा वीडियो और जानकारी।